हेलो फ्रेंड्स, आज को बता देती हूँ कि अनार के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। आज का आप पूरा वीडियो देखिए और स्किन के लिए भी मैं इसके बहुत अच्छे आपको प्रयोग बताऊंगी, कैसे कैसे हम अनार का यूज़ करके अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं और हमारी पक्की सब बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सुंदरता में अनार का क्या यूज़ है, मेन इसकी थिंग जो है वो रहेगी, और मैं इसके 8-10 बहुत ही अच्छे अनेक बीमारियों में इसके प्रयोग जो हैं वो आपको बताऊँगी। तो आप पूरा वीडियो देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको देखना अच्छा लगता है। तो आप ये शेयर भी करें और लोगों को भी ये वीडियो दिखाएं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ये नॉलेज। तो बात करते हैं कि अनार जो है एक ऐसा फल है जिसमें अनेक गुण कहे जाते हैं। कहते हैं कि एक अनार और 100 बीमार, यानी एक अनार में इतने गुण होते हैं कि वो 100 बीमारियों का इलाज कर सकता है। आप सब जानते हैं कि रोज़ाना मनुष्य को 5 में से 3 या 5 फलों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तत्व पाए जाते हैं हर फ्रूट में। तो आप हमारी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। यदि आप मैक्सिमम 5 या 6 तक फ्रूट अलग अलग डिफरेंट खा पाते हैं तो ये हमारे शरीर के अंगों को सुचारू बनाता है। कम से कम 3 फ्रूट आप ज़रूर सेवन करें, क्योंकि शरीर में विटामिन की मात्रा जो है वो बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारे फलों की ज़रूरत होती है। तो अनार इसमें से हमारे एक है जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। इनमें मैं आपको कुछ गुण जो है फटाफट से बता देती हूँ, क्योंकि डिटेल बताने लग जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अनार में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, एलर्जिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, डाइट्री फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फॉलिक एसिड इसमें नहीं होता है, और विटामिन ए सी ई के, राइबोफ्लेविन, थायमिन, आयरन इसमें होता है। इतने सारे तत्व जो हैं सब इसमें पाए जाते हैं। अनार सर्वाधिक रक्त को बढ़ाने के लिए खाया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या यूज़ है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में रक्त। तो ध्यान रखें कि अनार जो है वो पूरा फल खाएं, क्योंकि अनार के जो सभी दाने गुणकारी हों ये ज़रूरी नहीं है। इसे आधा कभी भी ना खाएं, यानी पूरा ही खाएं अनार को। अनार एक पूरा अनार सेवन करें, यह शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, और इसे रोज़ाना फल या रस के रूप में आप ले सकते हैं, जूस बना करके ले सकते हैं। अनार या किसी भी फल का रस फ्रेश बनाकर ज़्यादा खाना चाहिए। बाजार का जो जूस है वो इतना साफ़ सुथरा और स्वस्थ करने के लिए अच्छा नहीं होता है। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। आइए जानते हैं कि अनार के क्या फ़ायदे हैं, बाद में मैं नुकसान भी इसके बताऊंगी आपको। सबसे पहले हमें क्या लाभ है इसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखते हैं, सबसे पहले है रक्त बढ़ाने में अनार बहुत सहायक है। अनार जो है इंक्रीजेस ब्लड लेवल, हमारे खून का स्तर बढ़ाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले अनार खाने की सलाह देते हैं। अनार का बीज जो है शरीर के लिए फ़ायदेमंद है और ये रक्त बढ़ाता है, एनीमिया में बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसका फ़ायदा है, शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, यानी इसमें फ्रुक्टोज होता है जिससे रक्त का शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। अधिकतर अन्य फल और उनका सेवन जो है मधुमेह के रोगियों को नहीं करना चाहिए, लेकिन अनार का सेवन मधुमेह के रोगी कर सकते हैं। अनार का रस जो है रक्तचाप को भी संतुलित रखता है, यानी बीपी को हमारे कंट्रोल करता है। अनार का रस जो है रक्त के दबाव को बनाए रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है नियंत्रित रहता है। यह दिल के मरीज को बहुत अधिक लाभ देता है। रक्त वाहिकाओं में जो सूजन आ जाती है उसमें यह बहुत अच्छा है। यह प्राकृतिक एस्प्रिन की तरह काम करता है। अनार खून को पतला करता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमने देता, यानी हमें हार्ट अटैक से बहुत बचाता है। अनार का रस कैंसर को ख़त्म करने में भी सहायक है, क्योंकि यह हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है और इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां कम प्रवेश कर पाती हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं, और यह वाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
अनार का सेवन जो है कैंसर पीड़ित अपनी बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में इसका फल बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट फायदे की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। अनार का रस पाचन तंत्र को सुधारता है। आप पूरा वीडियो देखिए, मैं स्किन के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग बताने वाली हूँ। पाचन तंत्र को ये कैसे सुधारता है फ्रेंड्स, पेट और लीवर और हृदय की गतिविधियों को दुरुस्त करने में अनार बहुत सहायक है। इससे भूख बढ़ती है और प्यास कम लगती है, इसलिए इसे गर्मी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद समझा जाता है। इससे यूरिन संबंधी परेशानी ठीक होती है, यह यूरिन के बहाव को सरल कर देता है। अनार में बहुत अधिक फाइबर्स होते हैं जो घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के होते हैं। इससे हमारा पाचन तंत्र जो है वो बहुत अच्छा रहता है और हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। इसी के कारण से इसे वजन कम करने में भी सहायक माना जाता है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड एसिड होता है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके बाद आ जाइए बात करते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी में महिलाएं हैं उनके लिए क्या लाभ करता है। अनार गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें विटामिन मिनरल के साथ फ्लोरिक एसिड पाया जाता है जो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। यह ब्लड फ्लो को नियंत्रित करता है। अनार में पोटेशियम की मात्रा होती है जो महिलाओं में क्रैम्प्स यानी पैरों में जो क्रैम्प्स आ जाते हैं उन्हें दर्द में राहत देती है। अगर गर्भवती महिलाएँ अनार या अनार के रस का नियमित सेवन करती हैं तो प्री मेच्योर डिलीवरी का खतरा कम हो जाता है और बच्चे का वजन भी सामान्य बना रहता है। आइए जानते हैं अनार हृदय के लिए कैसे अच्छा है। अनार शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, हृदय के लिए, धमनियों को सुचारू बनाए रखने के लिए और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छा है। खून के थक्के नहीं बनेंगे तो हृदय बहुत स्वस्थ रहेगा। यह शरीर के कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को लाभकारी कोलेस्ट्रॉल में बदलने का काम करता है, यानी कि ये हृदय रोगों के लिए रामबाण है। एक और इसका फायदा है कि इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अनार में वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का गुण पाया जाता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। यह मुंह में पाए जाने वाले रोगाणुओं जिससे कैविटी पनपती है इसको भी ख़त्म करता है। अनार एक ऐसा फल है जो HEV संक्रमण को रोकता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। उसके बाद आता है हड्डी रोगों में क्या फ़ायदा है अनार का। ऑस्टियोआर्थराइटिस मरीज को विशेष तौर पर अनार खाने को दें तो यह कार्टिलेज को तोड़ने में सहायक होता है। अनार के रस के सेवन से जोड़ों का दर्द या हड्डी का दर्द में भी राहत मिलती है, क्योंकि यह अंदरूनी और बाहरी सूजन को कम करता है। अनार का रस बीमार व्यक्ति जिन्हें अल्जीरिया के मरीज हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अनार किडनी के लिए अच्छा फल है, यह यूरिन सिस्टम को संतुलित करता है और पथरी को भी नियंत्रित करता है। त्वचा के लिए बात कर लेते हैं अनार का हमारे लिए क्या यूज़ है। अनार जो है इसका रस त्वचा में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है। इसके जूस का सेवन करने से त्वचा में झुर्रियाँ नहीं आती हैं। आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल करके प्रभाव देख सकते हैं। यह चेहरे को दाग धब्बे और डार्क सर्कल से बचाता है। अनार का रस जो है सभी तरह की त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। यह रसयुक्त फल होने की वजह से सूखी हुई त्वचा को आंतरिक नमी देता है जिससे चेहरे में निखार आता है। ऑयली स्किन के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। इसे हम फ्रूट फेशियल में भी यूज कर सकते हैं। मुहासों को हमारे फेस से दूर करने में बहुत मदद करता है। त्वचा में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसे भी ये दूर करने में मदद करता है। यह सीबम के उत्पादन को नियंत्रित करता है। सीबम आपको जानते हैं आप, हमारे फेस पे छोटे छोटे वाइट सीबम्स आ जाते हैं, कील आ जाती हैं, तो उसे भी यह हटाने में मदद करता है। यानी आप देख लीजिए स्किन के लिए इसे कितना बड़ा यूज़ है फ्रेंड्स। तो डेली आप अनार का जूस यूज़ कीजिए और अपनी स्किन पर फर्क देखिए। जो स्किन की केयर करने वाले लोग हैं उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए
क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है फ्रेंड्स। आप जितना जानकारी को बांटेंगे आपके पास अच्छी चीज़ें लौट करके आएंगी, क्योंकि जब आप अच्छा स्प्रेड करते हैं तो अच्छी चीज़ें लौट करके आती हैं, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ आपको। और बात करते हैं बालों के लिए हमारे पास अनार के क्या फ़ायदे हैं। अनार जो है स्वास्थ्य और त्वचा के साथ बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अनार का जूस पीने से बाल मजबूत होते हैं, जिससे बालों का झड़ना कम हो जाता है। यह त्वचा के साथ साथ बालों को भी नमी प्रदान करता है। अनार के बीज के प्रमुख फ़ायदों में से यह एक है कि अन्य तेलों के साथ वाहक के रूप में इस्तेमाल होता है, जिससे यह बालों को लंबा, शाइनिंग और सॉफ्ट बनाता है। यह ख़राब बालों में नई जान डाल देता है। यह बालों को सिर्फ नमी ही नहीं बल्कि विटामिन और मिनरल जो होते हैं इसमें, वो हमारे बालों को नरिश करने के लिए काम में लिया जाता है। अनार का उपयोग जो है और सेवन कैसे करें, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसका सेवन जो है, अनार का रस निकाल करके इसका सेवन करें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके फल का सलाद के रूप में उपयोग करें या कोई व्यंजन बना लें, जैसे कस्टर्ड है, आइसक्रीम है, केक है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं और ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अनार के दानों को सूप में गार्निश करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप अनार से होने वाली हानि को जान लीजिए। जिन लोगों को किसी तरह की एलर्जी है उसका, उसमें अनार का सेवन एलर्जी को बढ़ा सकता है। खांसी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को अनार नहीं देना चाहिए। अनार ब्लड प्रेशर को केवल नियंत्रित करता है, लेकिन मेडिसिन भी साथ में ली जाए तो, अगर साथ नहीं लेनी है मतलब मेडिसिन, अलग से आप अपनी मेडिसिन लीजिए, साथ ले लेंगे तो फिर दोनों अपना प्रभाव छोड़ेंगे और ये सही नहीं है। कुछ बीमारियों में जो है मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो अनार के साथ ना लें, अलग से करके लें, तो उसमें अनार आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, अन्यथा अनार आपको नुकसान पहुँचा सकता है। एक अनार का रस या एक अनार किसी भी व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, उससे ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं। आज के वक्त में हमको सभी को आर्टिफिशियल चीज़ें खाने की आदत हो गई है, तो फ्रेश फ्रूट जूस लेते नहीं हैं, लेकिन आप जैसे मैंने आपको इसके फ़ायदे बताए हैं, आप इसे खाना ज़रूर शुरू कर देंगे। कभी कभी इसे खाना बोरिंग लगता है, तो आप इसे अच्छे से छीलना सीख लीजिए। मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था आपको कि कैसे हम इसे जल्दी से छील सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं इसी तरह की उपयोगी जानकारी देती रहूँगी फ्रेंड्स, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए तो शायद आपको अच्छी जानकारी फैलाने में मदद मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ये जानकारी, आगे भी उन्हें शेयर करने के लिए बोलें, जिससे जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।